नसीन हिजबुल के हमले मुसलसल तबाही बनकर कर पर उतर रहे हैं और ताज़ा तरीन अभी फिज़ाई हमलों में और जमीनी क्लाशेज में इसराइल की कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं हिजबुल्ला का नजीन हर गिरने वाला प्रोजेक्टाइल इसराइल में कैजुअलिटीज़ लेकर आ रहा है और इसराइल के लिए इस सारे सैनरियों में जंग को जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया है उनके लिए हर दिन अब मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है सुबह से हिजबुल्ला के हमलों का आगाज होता है और फिर सारा दिन इसराइल के अंदर क्या होता रहता है सारा दिन बजते रहते हैं धमाके होते रहते हैं और आग आग जगह जगह पर लगी आ, होती है और कैजुअलिटीज की खबरें कभी इधर से कभी उधर से यानी पूरा दिन उनका

जब रात को वो सोने के लिए जाते हैं तो हिजबुल्ला आजकल क्या कर रही है कि उसने रात में भी अटैक शुरू कर दिए हैं वो कोई बीस पच्चीस तीस और पचास साल दाग देगी तो फिर वो मिलियंस ऑफ जो है वो उनको रात को भी शेल्टर्स की तरफ यानी घरों से निकलकर रात को भी शेल्टर्स की तरफ जो है वो जाना पड़ता है तो रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी फतह के करीब आ पहुंची है इसराइल के लिए जो है ना इसको कंटिन्यू रखना और इसको एक लंबा लेकर चलना बहुत फोर्डेबल हो चुका है और मजबूरन यानी एक सरेंडर होगा और फोर्सफुल सरेंडर होगा और दुनिया देखेगी कि एक नॉन स्टेट एक्टर ने दुनिया की सबसे बड़ी पार को किस तरह से सरेंडर के ऊपर मजबूर किया और ये कैजुअलिटीज ही हैं जिसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है बढ़ता चला जा रहा है और यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा जहां सारी दुनिया फेल हो गई सारी इस्लामी दुनिया फेल हो गई सारी इस्लामी दुनिया की आर्मीज फेल हो गई सारे फैक्टर्स फेल हो गए तो कैजुअलिटीज का फैक्टर जो रेजिस्टेंस ने इस तरह से जो है ना इसराइल को नुकसान पहुंचाया तो यही फैसला कुन होने जा रहा है इसी दरमियान रूस से गैर मामूली खबर सामने आ रही है रूस हमेशा से मिडल ईस्ट के तनाजात का ऐसा रहा है और जब भी अरब इसराइल वॉर्स हुई हैं तो हमेशा जब रूस ने कहा कि वो आ रहा है तभी जंग जो है वो रुकी और फैसला कुन नतीजे के ऊपर पहुंची तो अब तेरह महीने लगे हैं रूस को इस मकाम के ऊपर पहुंचने में और रूस ने बाजाबा तौर पर मिडिल ईस्ट की कमान संभाली है रूस ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो इस तनाजे का हिस्सा है अब वो ऑफिशियली इसको देखेंगे और इस तनाजे के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे मिलिट्री सपोर्ट है वो दी जा रही थी लेकिन अब ऑफिशियली रूस ने यह ऐलान कर दिया तेरह महीने क्यों लगे और अब इस ऐलान का क्या मतलब है अब किस तरह से रूस ने मुदाखलत की है और वह क्या इंपैक्ट क्रिएट करेंगे इसके ऊपर भी हम बात करेंगे चीन ने दुनिया का तेज तरीन त्यारा बना लिया तेज तरीन जहाज चीन ने बना लिया है चीन ने वेस्ट को अमरीका को टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे छोड़ दिया है अमरीका और वेस्ट बेमानी जंगों के अंदर उलझे हुए हैं और अपने हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन जंगों के अंदर झोंक रहे हैं उसी दरमियान चीन जो है वो तरक्की कर रहा है अब ये एक दुनिया का नया इरा शुरू होने जा रहा है ये जो तेज तरीन सुपरसोनिक सुपरसोनिक जो जहाज बनाया गया ये बीजिंग से न्यूयॉर्क तक सिर्फ दो घंटों के अंदर पहुंच सकता है बीजिंग से न्यूयॉर्क सिर्फ दो घंटों में पहुंच सकेगा ये त्यारा मतलब एक बिल्कुल दुनिया नए फेज के अंदर जो है वो नए इराक के अंदर जाने वाली है जैसे यूँ समझ लीजिए कि ट्रेनें ईजाद हुई तो एक नया दौर शुरू हुआ फिर पहले, पहले जो नए नए जो हवाई जहाज जब ईजाद हुए तो दुनिया बिल्कुल बदल के रहेगी अब ये सुपरसोनिक जो जहाज हैं इनकी इजाद के साथ दुनिया बिल्कुल एक नए इरा के अंदर जाने वाली है और उसका क्रेडिट किसको जा रहा है चाइना और वेस्ट जो है वो बिल्कुल पीछे रह गया है इसी दरमियान अमरीकी इलेक्शन हो रहे हैं और ट्रंप और कैमला हारिस बिल्कुल टाकरा और बिल्कुल फिफ्टी फिफ्टी दोनों का है कोई भी जीत सकता है अब इसका असर क्या पड़ने जा रहा है अमेरिकन का ताजा तरीन सर्वे सामने आया जिसमें उन्होंने इसराइल के लिए फौजें भेजने फंड भेजने दोनों की मुखालफत की है और ट्रंप अगर जीता है तो भी खतरा और अगर नहीं जीता तो अमेरिका सबसे बड़ा खतरा तो ट्रंप से अमेरिका खुद को है अगर वो हारा तो ट्रंप अपनी डिफीट को कबूल नहीं करेगा ये इस वक्त शदीद खौफ जो है वो अमेरिका में पाया जा रहा है तो छियानवे घंटे रह गए एक तारीख का बहुत बड़ा इवेंट अमरीकी इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो कि बराह रास्त मिडिल जंग के साथ जिसका लिंक है उस बारे में भी हम तफ्सीली बात करेंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले हम आगाज करते हैं के हमलों से और फिजाई और जमीनी दोनों हमलों के अंदर दोनों जगहों के ऊपर इसराइल की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं यानी हिजबुल्ला बहुत अगले लेवल के ऊपर जंग को ले गई है कि जहां जहां उनका मिसाल गिर रहा है वहां वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं जहां जहां से इसराइली फौज दाखिल होने की कोशिश कर रही है उन जमीनी क्लासेस के अंदर भी इसराइल की कैजुअलिटीज ही हो रही हैं तो अभी सबसे पहले देखिए ख्याम का ये एरिया है जहां पर

उधर इसराइली फौज है इधर हिजबुल्ला के फाइटर्स हैं दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और यह बात में रखी है, है तो फिर हिजबुल्ला है इसराइली ड्रोन और त्यारे आकर हिजबुल्ला के ऊपर बमबारी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने करीब है कि उसमें इसराइली फौजी भी मारे जा सकते हैं तो यहां पर वो रियल टेस्ट होता है जमीनी फौज का और उसका क्या टेस्ट हुआ जरा देखिए ज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ख्याम इंजरीज अमंगजर्स वहां पर उनकी इंजरीज वो कह रहे हैं पहले हुई फिर द ऑक्यूपेशन कुलेक्ट डेड एंड वोडेड नियर द ख्याम एंड रीट्रीटेड टू द फेलियर ऑफ इट्स अटैक इसका नतीजा क्या निकला यानी जहां पर रियल टेस्ट था जहां पर सिविलियंस आगे नहीं थे जहां पर औरतें और बच्चे और मासूम लोग आगे नहीं थे वहां पर रियल आर्मी के साथ इनकी फाइट थी और फिजाइया भी इनकी मदद नहीं कर सकती थी उस बैटल के अंदर क्या हुआ है? उस टाकरे के अंदर क्या हुआ है वो अपने डेड और वेड उठाकर वहां से रिट्रीट करके पीछे भागने के ऊपर मजबूर हुई तो ये असल लड़ाई है और असल लड़ाई जब होती है तो इसराइल को बहुत बुरी तरह से शिकस्त होती है चाहे उनके टैंक्स हो उनकी व्हीकल्स हो और उनकी जमीनी फौज हो वो तबाह होकर ही जो है वो वहां से जाती है तो ये एक बहुत बड़ा ख्याम पर बहुत बड़े जो कैजीज हैं वो रिपोर्ट हुई है और इसके अलावा नाजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक के अंदर यानी यह वो टैंक्स हैं जो दाखिल हुए थे लेबन के अंदर उनको तबाह कर दिया गया एक बिल्कुल नया कब्रिस्तान इसराइली टैंकों का अंदर देखा जा रहा है थ्री मिलियन डॉलर का एक टैंक और 42 यहां पर तबाह कर दिए गए और अभी इसराइल कह रहा है ये उनके लिमिटेड रेड्स हैं और ये लिमिटेड ऑपरेशन है जो कि असल में लिमिटेड नहीं है लेकिन अगर हम टैंकों की बात करें तो इसराइल अभी सारे टैंक अपने नहीं उतार रहा और उसको खतरा यही है कि उनके टैंक्स वापस नहीं आएंगे वो बहुत थोड़ी तादाद के अंदर टैंक्स उतारते हैं और वो वहां पर जब तबाह हो रहे हैं तो फोर्टी अभी तक जब तबाह कर दिए गए हैं एक बिल्कुल इबरतनाक शिकस्त है जो इस वक्त इसराइल को वहां पर उठाना पड़ रही है अब जरा आ जाते हैं जो फिजाई हमलों की सूरत हाल है यहां पर भी नजीम जो अटैक्स हुए हैं इससे पहले म्यूटोला में एक हुआ, छह उस वक्त बताया था कि पांच मारे गए और छठा क्रिटिकल में था और हमने कहा था कि वो क्रिटिकल वाला भी उसकी हलाकत की खबर आ जाएगी तो वह आ गई है छह वहां पर मारे गए उसके बाद जो अगला हमला किया गया हिजबुल्ला की जानव से हाइफा बेग्रायोत करमेल सिटी इन तमाम एरिया के अंदर जिस जिसको भी हिजबुल्ला ने हिट किया है मिसाइल और रॉकेट जाकर कामयाबी से टकराए हैं और मटीरियल डैमेज सिर्फ नहीं हुआ बल्कि तमाम जगहों से इसराइल की हलाकतों की खबर जो है सामने आ रही है यानी इससे पहले इस बुला हमले करती थी बीस दिन पहले एक माह पहले तो कैलिटीज भी होती थी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और वो तबाही ज्यादा थी लेकिन अब जबुल्ला के हमले इतने लीथल हो चुके हैं कि हर जगह पर उनकी हलाकतों की खबर जो है वही सामने आ रही है अब जरा जो इनके हाइफा। हाइफा इंजरीज इन हाइफा बे एरिया ड्यू टू लेटेस्ट रॉकेट बैराज लेबरन हाइफा बे जो इनका पोर्ट एरिया है वहां पर होपलेस इंजरीज यानी वो इंजरीज जो बचने वाली नहीं है होपलेस इंजरीज वो हुई है यानी यहां पर हलाकते हो गई है हाइफा बे हम पोर्ट एरिया की बात कर रहे हैं यानी सबसे सिक्योर एरिया जहां पर उनकी करीम रहती है जहां पर उनकी लीड क्लास रहती है वहां पर डायरेक्ट हिट इन फ्राम एंड रेस्क्यू टीम्स आर ऑन देयर वे आ, एक फ्राम का इलाका है यहां पर हिस्बुल्ला ने टारगेट किया और वो मिसाइल और रॉकेट्स कामयाबी से आकर टकराए यहां पर कैजुअलिटीज हुई है इसराइली मीडिया बता रहे ऑन देयर वे है उस तरफ जा रही है करमेल हिट विद लार्ज साल्व ऑफ रॉकेट्स जो हाइफा के ईस्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सिटी है करमेल उसको नाजी निशाना बनाया गया है विद अ लार्ज साल्वो ऑफ रॉकेट इसके अलावा फेल इन करमेल एरिया निशाना बनाया और इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि बहुत सारे रॉकेट्स करमेल के अंदर आकर गिरे हैं यहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं पीपल आर इन क्रिटिकल कंडीशन फॉलोइंग द रॉकेट स्ट्राइक ईस्ट ऑफ करात अब आप देखिए कि हाइफा एक यानी बड़ा सिटी है उसके एक तरफ हाइफा बे है वहां पर कैजुअलिटीज हुई दूसरी तरफ वाला हिस्सा जो है वो का एरिया है तो आ, करायोत के अंदर भी आकर मिजाज टकराए और वहां हैं और कई हाइफा के दोनों इतराफ जहां जहां पर हिट किया गया है हाइफा के दोनों इतराफ में कई वैलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है अच्छा इसके अलावा हिस्बुल्ला टारगेटेड सेवन ऑक्यूपेशन गैदरिंग्स इन वताल वतल एंड इट्स सराउंडिंग साउथ एंड वेस्ट एंड नियर द प्रिजन सात गैदरिंग्स को और म्यतूला में ऐसी ही एक गैदरिंग को निशाना बनाया गया था जहां पर छह फौजी मारे गए तो उनका बहुत बड़ा नुकसान गैदरिंग्स के अंदर भी हो रहा है क्योंकि यहां पर एयर डिफेंस नहीं है हिजबुल्ला के गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन्स बड़ी कामयाबी के साथ इनको जाकर हिट कर रहे हैं और ये सारे के सारे सरप्राइज अटैक होते हैं जिसमें उनको पता भी नहीं होता कब कहां से ये ड्रोन आ जाता है ना वहां पर कोई साराज है ना वहां पर कोई एयर डिफेंस काम कर रहा है इसके अलावा वी टारगेटेड द एनिमी अलावाज इन द सेटलमेंट विद रॉकेट साल्वो देखिए जो मिटूला के ऊपर हमला हुआ है इसराइल को हिला के रख दिया है उसके ऊपर क्या हालत है समझिए इसराइली मीडिया वेन हिजबुल्ला फाइटर्स फायर रॉकेट एट मिटूला टूडे न्यू एग्जैक्टली वे टू फायर एंड द रिजल्ट वॉज हार्श के मिट्टूला के वाक्य से पता चला कि हिजबुल्ला के पास ये सारी इंटेलिजेंस सारी लोकेशन और उनको पता था कि कौन से एरिया में कहां पर अटैक करना है यानी उनके पास फिजाइया नहीं है लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं उनके ड्रोन के साथ जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे और इस बुला को पता है कि कहां पर गैदरिंग देखें ये उनके सामने तो नहीं है ये पांच दस किलोमीटर पीछे यानी ब्लू लाइन की भी दूसरी तरफ सेटलमेंट के अंदर बिल्डिंग्स के अंदर कहीं गलियों में वो इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर आकर जो है वो उनके गाइडेड मिसाइल और ड्रोन आकर टकराए तो इसराइली मीडिया इस बात से परेशान है इसराइली आर्मी इस बात से परेशान है कि इस बुल्ला को कैसे पता चल जाता है कि कब कहां पर किस जगह पर इसराइली फौज मोबालाइज हो रही है और सबसे बड़ा अटैक उन्होंने गुलानी ब्रिगेड की बेस के ऊपर किया जब वो खाना खाने के लिए एक रूम के अंदर जमा हुए और वो एक ड्रोन सिर्फ उसी एक रूम को जाकर टकराया और इसराइली आर्मी और इसराइली मीडिया हैरान थी कि इनको कैसे पता था कि इस टाइम के ऊपर ये सब खाना खाने के लिए इस कमरे में जमा होंगे द मिठूला इंसिडेंट वॉज हार्श एंड इंडिकेट दैट इज स्टिल केपेबल ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट इन लार्ज नंबर ये हमला है और हिजबुल्ला ने साबित किया है कि वो बहुत लार्ज नंबर्स uh, में जो रॉकेट्स है वो फायर कर सकते हैं हिजबुल्ला लॉन्चेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड कंप्लीटली एंड नो वन इन द आर्मी बूस्टेड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटली एंडिंग दैम बट ओनली रिड्यूसिंग दम अगर हमने बहुत बड़ी भी कामयाबी हासिल कर ली तो हम सिर्फ हिजबुल्ला के हमलों को रिड्यूस कर सकेंगे हम उनको मुकम्मल खत्म नहीं कर सकते का है कि अगर हमने कामयाबी हासिल की भी सही तो ये होगा कि हिजबुल्ला के हमले थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे और उसके बावजूद भी फिर सेटलर तो वापस नहीं आ सकते सेटलर तो उसी सूरत में वापस आएंगे जब हिजबुल्ला अपने हमले रोकेगी और हिजबुल्ला एक ही सूरत में अपने हमले रोकेगी जब गजा में इसराइल सरेंडर करेगा इसके अलावा को कोई प्रेशर कोई डील कोई ऑफर कोई थ्रेट हिजबुल्ला को रोक नहीं सकता है कोई मिलिट्री पावर हिजबुल्ला को रोक नहीं सकती हिजबुल्ला सिर्फ यानी सेटलर्स एक ही सूरत में वापस आएंगे कि हिजबुल्ला हमले रोकेगी और हिजबुल्ला कैसे हमले रोकेगी एक ही सूरत है कि गाजा में जब वो सरेंडर करेंगे तो ये आप देखिएगा कि आगे आगे प्रेशर बिल्डअप मजीद होगा कि फिर हिजबुल्ला से लड़ने का क्या फायदा है? जब उनको हराया नहीं जा सकता और रोजाना एक और फर्क होता है को ठीक है नहीं हराया जा सकता लेकिन जंग जा रही है, है। इसराइलियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन को हराया भी नहीं जा सकता उनके प्राइम के अंदर भी कर रही है तो इसराइली इसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं यानी कोई एक फैक्टर भी होता है ना जब कंटिन्यू रखने के हवाले से उनके पास एक भी नहीं बच रहा बच पा रहा है इवन वन रॉकेट फ्रॉम प्रूव कॉस्टली एज वी सॉ इन मिटूला अब वो कह रहे हैं कि रिड्यूस कर भी देंगे तो एक रॉकेट भी उनका काफी है जैसा कि हमने मिट्टूला में देखा कि एक रॉकेट से छह फौजी जब वो मारे गए तो रिड्यूस करके भी हम कौन सा सिक्योर हो जाएंगे इसराइल कौन सा उसकी जो हिफाजत की जमानत है वो आ जाएगी इसराइल ने तो कुछ भी अचीव नहीं किया उसकी सिक्योरिटी तो मेंटेन ना हुई कि अगर एक रॉकेट भी आएगा और एक रॉकेट भी इतना नुकसान कर सकता है

जो है ना बड़े जोश और जज्बे के साथ अपने वतन का दिफा करते हैं और वो हथियार उठाते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई इसराइली लड़ने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया को पता चल रहा है कि ये उनका वतन नहीं है दूसरी तरफ फलस्ती इतनी कुर्बानियां देकर भी लड़ रहे हैं तो असल में मतलब ये उनका वतन है इसराइलियों का नहीं है वो सेटलर्स हैं वो काबिज हैं आप देखिए है, रूस ने पैंतीस लाख फौज बना ली है यानी उनके लोगों ने अपने मुल्क के दिफा के लिए वो खड़े हुए हैं पैंतीस लाख फौज रूस ने बना ली है जो कि चंद लाख थी

एक बहुत पावरफुल तबका और वो मजीद इंस्टेबिलिटी जो अंदर कॉज कर रहे हैं अच्छा अब इसी जो अगली खबर आ रही है कि कर है। रशिया हमेशा, आ, जंगों में करता रहा है। और हमेशा जब भी रशिया आया है तो जंग का कोई नतीजा निकला है और रशिया की मुदाखलत क्या होती है वो एक अल्टीमेटम जारी करते हैं कि फिल फॉर इसराइल अपने हमले रोके वगरना हम इंटरवीन करने जा रहे हैं हम मिलिट्री एक्शन लेने जा रहे हैं जब हमने फिफ्टी की बात की जब फिफ्टी सिक्स में जंग जारी थी तो रशिया ने कहा था अगर फौरी फ्रांस और ने अपने फौजे पीछे ना की तो हम एटमी हमला कर देंगे तो बस इतनी सी बात थी और अड़तालीस घंटों के अंदर जंग बंदी हो गई थी 67 में हुआ बाकी जंगों के अंदर इस तरह से हो चुका है तो यह होती है रूस की मुदाखलत वो कहते हैं रोको अगर नहीं रोकोगे तो हम मिलिट्री एक्शन लेने जा रहे हैं और रूस से नहीं भिड़ा जा सकता अमेरिका अभी तक रूस से बर रास्त नहीं आया इसराइल तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो इस बार बिल्कुल एक हालांकि रूस दस पंद्रह दिनों के बाद जब वो जंग के अंदर आ जाता है इंटरव्यू कर जाता है लेकिन इस बार तेरह महीने लगे हैं तेरह महीनों तक रूस ने कोई मुदाखलत नहीं की रूस की मिलिट्री सपोर्ट वो सारी जाती रही है लेकिन रूस ने इस लेवल की मुदाखलत नहीं की जो पहले वो करता था और वह चंद दिनों के अंदर मामला खत्म हो जाता इसके जो सबसे आम फैक्टर है वह समझना जरूरी है दरअसल मिडिल जो है वो

यानी इन रीजनल कंट्रीज के खिलाफ होती है जिनके साथ रूस अच्छे तल्का जाता है क्योंकि उनकी ग्रीन लाइट के साथ जंग जारी है वो चाहते हैं कि हमास और बाकी रेजिस्टेंस जो वो खत्म हो तो इसलिए रूस ने इंतजार किया अब जब ये सिनेरियो बदला है कि मिडिल ईस्ट अब कह रहे हैं कि ये तो उनके साथ धोखा हो गया उन्होंने तो हमास को खत्म करने की बात की थी इसराइल तो कुछ और उसने कर दिया वहां पर और अब वो उसका बोझ कैसे उठाएं कि अच्छा ये तो उनकी ग्रीन लाइट के साथ हुआ है और अमरीका अब कह रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकता तो अब वो रूस की तरफ गए

यानी वो सीजफार करवा सकता है यानी दोनों फ्रीकैन के ऊपर उसकी लेवरेज है यह तौर पे इसराइल के ऊपर तो कोई दुनिया का तीसरा मुल्क आकर यह नहीं कह सकता कि हम इसराइल और हमास से रहा करके हम यह सेटलमेंट करवाएंगे कोई दुनिया का मुल्क यह नहीं कह सकता यह अमेरिका ही की मोनापली है और अमरीका इसको आपको पता है वो ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं और जान कर नहीं करवा रहा लेकिन दुनिया में किसी मुल्क की यह जरूरत नहीं है कि वो कहे कि अच्छा हम आएंगे हम इसराइल से भी बात करेंगे हम हमारा से भी करेंगे और सीजार करवाएंगे दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता तो रूस कह रहा है कि हम अब आ गए हैं अब हम बात करेंगे तो रूस क्या बात करेगा रूस वही पुरानी बात कि अगर ये बात नहीं होती तो फिर हम एक्शन लेने जा रहे हैं अब वो एक्शन मुमकिन है कि माजी की तरह का एक्शन ना हो आज उसका जो शेप है वो मुख्तलिफ नौत की हो वो अपनी मिलिट्री जो सपोर्ट है वो बढ़ा दे वो अपने असल सप्लाई यहां पर बढ़ा दे कोई भी एक्शन वो ले सकते हैं लेकिन इसराइल और अमेरिका के ऊपर यह वाजे हो गया कि रूस अब बरह ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई और वहां पर ये कंसेंसस के सबसे पहले मिडिल ईस्ट की जंग को रोकना जरूरी है और ब्रिक्स के सारे साथी जंग के अंदर ड्रैग हो रहे हैं ये रूस का फर्ज है फिर ईरान ये चाहता है कि जंग आगे ना फैले तो रूस के लिए बहुत जरूरी है तो मतलब रूस अब जो है मुदाखलत कर गया ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक तरफ कैजुअलिटीज हो रही है दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि अब वो इस जंग के अंदर बराह आ गए हैं अच्छा अब इसी दरमियान जरा बात करते हैं आखिर में अमरीकी इलेक्शन के हवाले से अच्छा ना अमरीकी इलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा इवेंट हम कब से इसकी बात कर रहे थे और अमरीकी इलेक्शन में इस वक्त छियानवे घंटे रह गए हैं छियानवे घंटे बहुत करीब तर हम आ गए हैं और दुनिया इस वक्त देख रही है कि अमेरिका में क्या होता है देखें इस वक्त जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें ट्रंप और कैमला हारिस दोनों यानी बराबर हैं दोनों जाना दोनों के चांसेस है किसी को कुछ पता नहीं कि यहां से जो है वो कौन जीतेगा अच्छा अगर हम बात करें कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा तो कैमला हारिस के वाले से ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैमला हारिस जो है वो सीजफायर करवाएंगे इसलिए नितिन जो है वो ट्रंप को लाना चाहता है और कैमला के साथ नितिन जाऊ की मुलाकात अच्छी नहीं रही और कैमला हारिस इस वक्त इसराइल इस के खिलाफ बयान नहीं दे रही क्योंकि तिरसठ लाख ज्यूज वोट है तो वो जूएस लॉबी को फिलहाल नाराज नहीं करना चाहते लेकिन जब वो सदर बन जाएगी तो बहुत क्या करेगा उसके बारे में बहुत है। उसकी लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा इस वक्त है अमेरिका सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम में गुजरा है अमेरिका ने जो बेमानी जंगे लड़ी हैं अब वो दुनिया में एक तो उसका एम्पायर खत्म हो रहा है दूसरी तरफ अमरीका अंदरूनी तौर पर अपने सबसे खतरनाक तरीन मोड़ से गुजर रहा है अगर ट्रंप जीता तो भी उसकी पॉलिसीज अमेरिका के लिए कितनी तबाहकुन होंगी और अगर वो हारा तो ट्रंप वो नहीं है जो अपनी डिफीट को कबूल कर लेगा इस वक्त 50 अमेरिका जो है वो ट्रंप के साथ खड़ा है यानी बहुत बड़ी सपोर्ट ट्रंप की तो ट्रंप अपनी डिफीट कबूल करने वाला नहीं इसलिए बाइडन ने कहा था कि यहां पर सिविल वॉर का खतरा है अगर हारा तो और से कई इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि क्या आप अपनी हार तस्लीम करेंगे तो वो हमेशा गोल बोल जवाब देता है कभी उसने नहीं कहा कि हाँ मैं हार तस्लीम करूंगा हमेशा वो गोल बोल जो जवाब देता है और इसी के वो जो कांग्रेस के ऊपर हमला भी हुआ था तो वो सारा मामला अब जो अमेरिकन के सर्वे आए हैं उसमें उन्होंने मतलब मुकम्मल फलस्ती की सपोर्ट और उन्होंने कहा जी ना फंड देने चाहिए इसराइल को और ना आ, अपनी फौजें जो है वो इसराइल के लिए भेजने चाहिए तो ये फलस्तीन के मुकदमे की सबसे बड़ी फतह है और इस्लामी दुनिया की बहुत बड़ी फतह है कि इसराइल की जो पब्लिक ओपिनियन है खासकर अमेरिका जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वहां पर इस तरह से शिफ्ट हो रही है तो कोई भी नई लीडरशिप आएगी चाहे कैमला हारिस तो उसके बहुत ज्यादा चांस ये फार गए अगर ट्रंप भी आया तो उसके लिए वो मैदान नहीं होगा बहुत मुश्किल है वो बहरहाल उसके लिए होगा आगे जो जंग चल रही है अमरीका सारी सपोर्ट तो दे चुका है लेकिन इसराइल फाते नहीं हो सका तो उसकी फतेह ट्रंप आकर क्या कर लेगा उसके लिए कोई आइडियल ग्राउंड आगे नहीं है फतेह के लिए वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा जंग को एक्सपैंड करेगा ईरान के ऊपर अगर फौजें उतारता है तो जंग एक्सपैंड ही होगी वो जीतने वाली कहानी तो वहां भी नहीं है तो ये इस वक्त वहां से खबर आ रही है कि कौन जीतता है फिफ्टी फिफ्टी है अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता अगर ट्रंप जीतेगा तो क्या होगा और जीतेगी क्या होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात के जो है वो वोटर्स किसके साथ खड़े हैं और अमेरिका के लोग हैं वो किसके साथ खड़े हैं और नितंजय उस वक्त इंतजार कर रहा है कि ट्रंप जीते तो फिर जो भी वो, वो करना चाह रहा है इसी दरमियान चाइना के हवाले से बड़ी खबर यह है कि चाइना ने नाजिन सुपर सोनिक पैसेंजर त्यारा जो है वो बना लिया है जेट्स की हम बात नहीं कर रहे पैसेंजर त्यारा बना लिया है मैक फोर इसकी स्पीड है और ये बीजिंग से न्यूयॉर्क सिर्फ दो घंटों के अंदर पहुंच सकता है ये तीन हजार जाना पर और की स्पीड के साथ यानी ये साउंड की स्पीड से ज्यादा जो जा है वो ये फ्लाई कर सकते हैं ये बिल्कुल दुनिया चेंज होने जा रही है यानी पैसेंजर त्यारा तो कभी इतना वो फ्लाई नहीं कर सकता ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ये वन मैक या टू मैक की स्पीड तक जो है जैसे पैंतीस एफ, एफ है वो जाते हैं लेकिन पैसेंजर त्यारा उतनी स्पीड के साथ तो ये तो दुनिया बदलने जा रही है तो अब देखिए चाइना लीड कर रहा है इकोनॉमी में और अब टेक्नोलॉजी में देखिए मतलब दुनिया चाइना की तरफ और उनकी तरफ जो है शिफ्ट हो रही है अमेरिका तो अपनी जंगों की वजह से और हंड्रेड ऑफ ऑफ डॉलर यूक्रेन में बर्बाद किए अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और उधर इराक और उधर और अब मिडिल ईस्ट के अंदर 22 बिलियन डॉलर्स तो वो दे चुका है तो उनकी मीनिंगलेस पॉलिसीज और अब देखिए जितनी पाबंदियां यूरोप ने रशिया के ऊपर लगाई हैं वो बैक फायर की हैं उनको नुकसान हुआ है फायदा नहीं हुआ रशिया तो अपना ऑयल बेच रहा है और वाया इंडिया चाइना वो तो मतलब वाया इंडिया सारा तेल उसी यूरोप को जा रहा है और यूरोप महंगे दामों खरीद रहा है तो सैक्शन तो काम नहीं की उल्टा यूरोप को नुकसान हुआ तो ये इस वक्त का ताजा तरीन सैनैरियो जो हमने आपके सामने रखा आप अपनी राय लगा करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक तो पहुंच सके जायजी जल्ला हाफ